हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन क्वीन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी लाइफ में हम रोज़ नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर एक दिन नया होता है और हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर करूँगी। आप उन एक्सपीरियंस को फॉलो ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिला। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के बारे में। मेरा बेबी बहुत छोटा है और उसको मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। जब मैं न्यूली मदर थी तो मुझे ये सब डील करने में बहुत टफ लगता था। तो दोस्तों, छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के क्या कारण है ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा जो कि मैंने खुद डील किया है, उसको हैंडल किया है, और मैं आपको भी बताऊंगी कि आप अपने छोटे बच्चे के साथ इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मेनली होती है कि जब छोटा बच्चा पानी कम पीता है। छोटे बच्चे को नहीं पता कि उसको पानी कब पीना है या फिर कैसे पीना है। अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो फिर वो आपको बता सकता है कि जब उसको प्यास लगती है, लेकिन जैसे बड़े लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है बॉडी में वाटर लेवल ठीक रखने के लिए, ऐसे ही छोटे बच्चों को भी पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को पानी पिलाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बड़े लोगों के लिए पानी पीना है। दूसरा इसका कारण है कि जब मदर अपने बच्चे को फीड देती है और उससे ऊपर से दूसरा दूध भी दिया जाता है, तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आम तौर पर देखी जाती है। कॉन्स्टिपेशन का बच्चे में तीसरा कारण है जब बच्चा किसी और रोग से पीड़ित होता है, तो वो ऐसी मेडिसिन लेता है जिसके कारण उसको कब्ज़ की प्रॉब्लम अंदर हो जाती है। तो ऐसे में आप जिससे वो मेडिसिन ले रहा है डॉक्टर से, उससे ही कंसल्ट कीजिए कि उस बच्चे को अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे दूर की जा सकती है। चौथा कारण कॉन्स्टिपेशन का, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ भी है, जब बच्चे दूध के दांत निकालते हैं तो उनमें लूज मोशन और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती है, लेकिन मेरे बेटे के साथ इससे बिल्कुल उल्टा हुआ। उसको जब दूध के दांत निकालता था तब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती थी। ये बात मुझे थोड़ा टाइम जब हो गया, 2-3 बार का एक्सपीरियंस हुआ, तब मुझे पता चला कि इसको आम बच्चों की तरह दूसरी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप थोड़े बहुत इलाज के साथ अपने बच्चे को ठीक कर सकती हैं। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। अब ये कारण थे जिससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका इलाज कैसे करना है, जो कि मैंने खुद भी किया है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपने बच्चे को इस स्थिति में डील करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम का इलाज कैसे कर सकते हैं हम। आपको क्या करना है कि जितना बच्चा गुनगुना दूध पी लेता है उसमें आप आधा चम्मच शहद मिला दें, क्योंकि शहद से बच्चा आसानी से पॉटी कर लेता है। तो आप शहद ऐसे भी उसको खिला सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे नहीं खाता तो आप उसके दूध में शहद को मिक्स कर दीजिए। दूध हल्का गुनगुना ही होना चाहिए जितना कि आपका बच्चा पी लेता हो। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो क्या करें कि 1 गिलास दूध में कुछ अंजीर लेके उनको उबाल लें और वो वाला दूध बच्चे को पीने को दें। इससे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा बच्चे को एक टब में गुनगुने पानी में 15-20 मिनट के लिए बिठाकर रखें। 15-20 मिनट बच्चा टब में बैठा, उसके कमर तक पानी हो और उसके कमर का नीचे का पूरा हिस्सा पानी में डूबा रहे, 15-20 मिनट आराम से बच्चा बैठ के खेलता रहेगा टब में, ऐसे में भी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। दोस्तों, ये सभी एक्सपीरियंस मेरे पर्सनल हैं, क्योंकि जब मैं न्यूली मदर थी तो मैं बहुत घबरा जाती थी उसकी ऐसी सिचुएशन देख के, क्योंकि कई बार उसको इतनी प्रॉब्लम होती थी कि ब्लड भी आ जाता था। इसलिए पर धीरे धीरे जब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने उसकी इस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, मैंने ये सब सीख लिया, तो अब मुझे कोई भी बात की घबराहट नहीं होती है। इसलिए मैं न्यूली मदर से कहूँगी कि आप भी बिल्कुल भी नहीं घबराना, ऐसे 2-3 नुस्खे जो हैं आपने भी यूज़ करने हैं और इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि ये आजमाए हुए घर के नुस्खे होते हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो अपने डॉक्टर से तो आप कंसल्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले घर पर आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए।
ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और लाइफ का हर एक दिन उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस लेके आता है। तो आपने भी बिल्कुल भी नहीं घबराना अपने छोटे बच्चे को लेकर, और उसको बिल्कुल ध्यान से डील करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इन टिप्स को आपने फॉलो किया और आपको क्या बेनिफिट मिला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल द इंडियन क्वीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।